नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर पिछले 14 साल में राजनीति की दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से अपने राजनीति के करियर की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इसके साथ साथ घोसी लोकसभा सीट से उनके बेटे अरविंद राजभर मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के यहां ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि यदि घोसी सीट से लोकसभा चुनाव में उनके बेटे अरविंद राजभर को जीत हासिल होती है तो संसद में पहुंचने का उनकी पार्टी के प्रतिनिधित्व का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में एनडीए गठबंधन की तरफ से जो 6 सीटें तमाम सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश में दी गई हैं, उनमें घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हिस्से आई है। ऐसे में अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए चुनाव प्रचार भी यहां जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं ओपी राजभर। पिछले दिनों जिस तरीके से गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है और इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान एक किसान के खेत में जाकर के और वह गेहूं की कटाई करने लगे, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर चुनावी बयार में अब तमाम लोगों का दिल जीतने के लिए यहां पर जमीनी हकीकत पर उतरकर और लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से घोसी लोकसभा सीट से चुनावी उम्मीदवार हैं। गाजीपुर सीट को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर के द्वारा तमाम दावे किए जा चुके हैं कि हम गाजीपुर लोकसभा सीट भी बीजेपी से चाहते हैं ताकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 2 सीटों की हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया जाए। अब देखना ये होगा कि गाजीपुर सीट क्या यहाँ पर ओपी राजभर के हिस्से में आती है। आपको बता दें घोसी में 7वें चरण में मतदान होना है और ऐसे में यहां ओम प्रकाश राजभर बहुत जल्द चुनावी प्रक्रिया में चल चुके हैं और ऐसे में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राजभर वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले ओपी राजभर क्या अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में जीत दिला पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।